सुबह 11 बजे के आसपास अगमगुआ थाना अंतर्गत आदर्श कॉलोनी के पास एक व्यक्ति का गोली मारकर हत्या होने का सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच कर वो जो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए थे। स्वागत है आपका न्यूज़ भुवनेश्वर में, मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। राजधानी पटना में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसमें एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि युवक नालंदा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पटना में रहकर पढ़ाई किया करता था, और उसी युवक को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि इस हत्या से संबंधित पूरी रिपोर्ट क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने अपनी धमक दिखाते हुए बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। अपराधियों ने राजधानी पटना पुलिस की सुस्ती का फायदा उठाते हुए एक युवक को सरेराह और दिन दहाड़े उसके सिर में गोली मार दी और फिर अपराधी मौके वारदात से बड़े ही आराम से पिस्टल लहराते हुए भाग निकले। पूरा मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी की है, जहां युवक को सिर में गोली मार दी गई, जिसके बाद युवक की मौत मौके पर ही हो गई। हालांकि घटना के बाद से पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची, जिसके बाद मृत युवक को पोस्टमार्टम के लिए NMC भेज दिया है। इधर सूरज के परिजनों को भी खबर कर दी गई, जिसके बाद परिजन भी पटना पहुँच गए हैं। वहीं मामले में सिटी ASP ने बताया कि युवक को जमीनी विवाद में गोली मारी गई है। अपराधियों की धर पकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जिस युवक की हत्या की गई है वो नालंदा जिला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो पटना में रहकर पढ़ाई किया करता था। फिलहाल देखना यह है कि इस हत्या में जो भी अपराधी शामिल हैं वो पुलिस के पकड़ में कब तक आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम छोड़े जा रहे हैं सिटी ASP के बयान के साथ, जिसमें इस घटना के बारे में वो क्या कुछ कर रहे हैं छोड़े जा रहे हैं उनके बयान के साथ। आज सुबह 11 बजे के आसपास अगमगुआ थाना अंतर्गत आदर्श कॉलोनी के पास एक व्यक्ति का गोली मारकर हत्या होने का सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच कर वो जो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए थे, और अग्रतर अनुसंधान अभी उस पर शुरू हुआ है। और मृतक व्यक्ति का पहचान हुई है, सूरज कुमार नाम है, पिता का नाम है दुर्वाहन प्रसाद, तो रहने वाला है नालंदा जिला का रहने वाला है। तो प्रथम दृष्टि जमीनी विवाद को लेके कुछ झगड़ा होने का बात प्रकाश में आई है, बट बाकी पूरा उसका क्लियर पिक्चर अभी अनुसंधान थोड़ा सा जांच के बाद। दो पक्ष कौन है जिनसे विवाद हुआ? नहीं, अभी उसका जांच ही कर रहे हैं। ये कौन पक्ष है? ये वो एक्चुअली ना, हम पता करके उसका जांच करने के बाद ही क्लियर। मतलब देखने से क्या लग रहा है कि मजदूर है? नहीं, वो तो ऐसा नहीं लग रहा है, और बाकी अनुसंधान के बाद ही हम क्लियर पिक्चर दे सकते हैं। वो तो पूरा डिटेल्स हम बता देंगे एक बार जांच और अनुसंधान करने। वहाँ पर मौके पर क्या कुछ बरामद किया हुआ? नहीं, उस पर मौके पर हम भी जाके देख लिए हैं, बट मौके पर कुछ लोग इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिला है। CCTV में बहुत लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो हम जांच करेंगे। CCTV पूरा अभी अनुसंधान शुरू किए हैं। कितने राउंड गोली चलने की अभी उस पर हम क्लियर पिक्चर नहीं दे पाएंगे, तो अभी अनुसंधान का विषय है। थैंक यू।